नीट पेपर लीक का मामला, 4 जुलाई तक आरोपियों की रिमांड सीबीआई को मिली है। 4 जुलाई तक रिमांड, आपको बता दें कि 27 जून से रिमांड की अवधि शुरू होगी। चिंटू और मुकेश की रिमांड मिली है सीबीआई को, कुल 8 दिनों की रिमांड है। तो ये बड़ी खबर, 4 जुलाई तक आरोपियों की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। अब पूछताछ करेगी, कई सारे सवालों के जवाब निकालेगी सीबीआई इन आरोपियों से। तो 8 दिनों की कुल रिमांड मिली है सीबीआई को। चिंटू और मुकेश की रिमांड मिल गई है, अब इनसे पूछताछ की जाएगी। पूरा जो नेटवर्क है, नेक्सस है, उसके बारे में पता लगाएगी सीबीआई और किस तरीके से ये सॉल्वर गैंग काम करता है, किस तरीके से नेटवर्क जो है पूरे देश भर में फैला हुआ है, इस बारे में जानकारी निकालेगी। हजारीबाग में नीट पेपर लीक की जांच को लेकर सीबीआई ने चरही में सीसीएल के गेस्ट हाउस को ठिकाना बना रखा है। इसी गेस्ट हाउस में इस मामले से जुड़े कई संदिग्धों से पूछताछ हुई, जबकि इस मामले में जब्त किए गए सारे दस्तावेजों को भी यहीं पर रखा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मामले को लेकर सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची और तमाम चीजों को तलाश रही है, और इस मामले को लेकर जो भी लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, जिनकी भी कड़ियां जुड़ रही हैं, तमाम लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो है वो सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि आज जो है सीबीआई के द्वारा 11 लोगों को सीसीएल, जो चरही स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस है, यहाँ पर लेके आया गया है और यहाँ पर पूछताछ जो है वो की जा रही थी, जिसमें से 2 शिक्षकों को फिलहाल, जो कि इन्विजिलेटर थे परीक्षा के दिन, उन्हें फिलहाल छोड़ा गया, जिसमें एक महिला शिक्षिका और साथ में एक पुरुष शिक्षक जो है वो शामिल है। पूरे मामले को लेकर बता दें कि आज सुबह से ही जो गहमा गहमी है वो देखने को हजारीबाग में मिल रही है। सुबह सवेरे ही अगर कहा जाए तो सीबीआई की टीम जो स्कूल के प्रिंसिपल, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके घर पहुंचती है, वहां पर पूछताछ करती है और फिर उनके बाद उन्हें लेकर स्कूल पहुंचा जाता है सीबीआई की टीम के द्वारा, और फिर वहां से सीबीआई की टीम उन्हें लेकर लंबी पूछताछ के बाद इस गेस्ट हाउस में लेकर आती है। फिलहाल अभी भी अगर कहा जाए तो जो 9 लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे कि ईडी की जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही है, जिसमें कि वो टोटो चालक भी शामिल है, जिसने कुरियर, जहाँ से कुरियर आया था, कुरियर कंपनी से लेकर बैंक तक पेपर को जो है वो डिलीवर किया था, उस टोटो चालक से भी पूछताछ जो है वो सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। तो वहीं इसके साथ ही तमाम जो लोग जो कि इस परीक्षा की प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है, जिसमें कि एनटीए के भी 2 अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ जो पूछताछ के बाद सीबीआई के हाथ लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुछ दस्तावेज के साथ साथ कुछ डिजिटल इक्विपमेंट को भी सीबीआई के द्वारा जो है वो जब्त किया गया है, और पूरे मामले की जो छानबीन है वो फिलहाल की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निष्कर्ष आता है, और हजारीबाग से जो कनेक्शन पूर्व में एस्टैब्लिश हुआ था जो ईओयू की टीम के द्वारा, वो सीबीआई जांच में कितना अपने आप को कहा जाए तो वो सत्य पर नजर आ पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 हजारीबाग।